विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं, ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। डीएस, दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है।
दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं, ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। और इसका यूज लाइफ में तो देखोगे, आग देखेगी, अरे आग लग गई है, ये दिखावटी सत्य है। आग नहीं बुझाना ऐसा नहीं कहा, जो कर्म करना है, ट्रैफिक जाम है तो उससे कैसे बाहर निकले, देखें कहां से रास्ता है।
मगर आपका पॉजिटिव देखना ही रास्ता बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो शक्ति तैयार होती है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, द ओनली सत्य कहा सिर्फ बोलना है खाली, और कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा इससे, इससे आप एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, एनर्जीज को डायरेक्शन दे रहे हो। आपके पास शक्तियां हैं, उनको दिशा देनी है कि इस दिशा में काम करो, मेरे जीवन में ये सब लाना है, जहां प्रेम है, साहस है, आनंद है, संतुष्टि है, स्वास्थ्य है, सब है जहां, और सिर्फ 100 साल के लिए नहीं, फॉरएवर। इतना बड़ा सोचना है, हम सोच सोच के कितना सोचते, तो आज सभी को मालूम पड़ा कि प्लानिंग कितनी करनी है। किसी का चेहरा पसंद ना आए देखकर तो क्या कहोगे, ये दिखावटी सत्य, पीछे सुंदरता है, मुझे वो सुंदरता देखनी है। हर इंसान के अंदर वह सुंदर चीज है, चैतन्य है, टॉस करना है उसके पीछे जो द ओनली सत्य है वो देखना है। आपका ये सोचना ही उस इंसान के अंदर उस चीज को पुकार देता है, वो भी बदलने लगता है। जो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा वो बदल जाता है, वो ना भी बदला दूसरों के लिए आपके लिए जरूर बदल जाएगा। अगर पुकार देते रहे तो हमेशा के लिए बदल जाएगा, सबके लिए बदल जाएगा, मगर शुरुआत तो हो जाएगी, आपके साथ तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द सत्य है, पावर है इनमें। आप ये बोलते ही द ओनली सत्य, मैं वही देख रहा हूं, आप पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को दिशा दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को। वरना क्या होता है, दिखावटी सत्य में हम पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आपस में उलझा रहे और कोई रिजल्ट नहीं आता, उल्टा मेस क्रिएट होता है, उलझने, वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें कैसे आ रही है, लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग, लोग एक साथ क्या सोच रहे हैं, दिखावटी वॉर, दिखावटी सत्य है, लोग वो देख रहे, न्यूज क्या दिखा रहे, पैसे कमाने के लिए एक चैनल दूसरे चैनल से कंपटीशन कर रहा है, मुझे और बड़ा चढ़ाकर बताना है, मगर वे जानते नहीं वो क्या क्रिएट कर रहे। तो पहला काम तो पहले हो जाए, आपके लिए तो सब बदल जाए, आप तो दिखावटी सत्य में अटकना बंद हो जाओ, अगला कदम भी आएगा। उम्र पीछे काउंट करनी है, हर जन्मदिन दिखावटी सत्य पहले था, उम्र बढ़ रही है, बूढ़ा हो रहा हूं, अब क्या है, टॉस करते हैं तो अब उम्र कम हो रही है। क्यों कम होगी, क्योंकि दिखावटी सत्य से निकलने लग गए तो शरीर की भी संभावनाएं खुलने लग जाएगी, बीमारियों में न अटकते हुए। बीमारियों का इलाज जरूर करेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, डॉक्टर का दवाई भी लेंगे, सभी को एक दिशा मिल सकती, विश्व को एक दिशा मिल सकती है। अगर ये सभी ने सुना होता, आज विश्व के सभी लोगों ने सुना होता, तो क्या हुआ होता। हर न्यूज चैनल ने दिखाया होता तो क्या हुआ होता। ऐसे दिशा मिल जाती है, अरे हम जो कर रहे हैं दिखावटी सत्य से बाहर आना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।